तेलंगाना हमारे केसीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना जो बड़ा कदम उठाए हैं और अल्लाह के करम से पूरे इंडिया में जैसा सेकुलर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं केसीआर साहब को, सेकुलरिज्म का करके दिखाए हो और सबसे पहले मस्जिदों का भी जो बोले हैं केसीआर साहब वहीं पर बनेंगी और वहीं पर ये करेंगे और वोट के हवाले करूंगा और 1500 गज जो भी जगह बच रही 1500, 1200, 2000 जो भी जगह बच रही वो भी वोट के हवाले करेंगे। बल्कि केसीआर साहब जो बोले मैं केसीआर साहब का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं मैं और पूरी आवाम के तरफ से भी मैं केसीआर साहब को मुबारकबाद देता हूं इसलिए कि बहुत बड़ा इकदाम है ये। जहां पर केसीआर साहब कोई हर कोई बोलते कि वहां पर मस्जिद नहीं बनेंगी वहां पर वो करेंगी, मतलब अपोजिशन वाले भी सब लोग उंगली उठाए सब लोग जो है ना हंगामा करें, मगर उससे फायदा नहीं है क्योंकि केसीआर साहब खुद एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है और ऐसे इंसान है वो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब जो है उसको मद्देनजर रखते हुए केसीआर साहब जो है ना कोई किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने का काम आज तक नहीं करे केसीआर साहब और ना कभी करते भी नहीं हो, क्योंकि उनको मालूम है गरीबी क्या है अमीरी क्या है और मजहब क्या है, हर चीज की वफियत है उनको। तो अल्लाह के करम से मैं अल्लाह का भी मैं शुक्र अदा करते हुए क्योंकि इतना बड़ा जो काम हुआ है, जो लोग हमको भी बोल रहे थे कि मतलब वोट से रिजाइन करो वो करो ये करो, उससे कुछ होने का नहीं है क्योंकि मस्जिद का मसला था, अल्लाह के करम से जो है ना मस्जिद का मसला हल होगा। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कभी भी जो है कोई मजहब को ठेस पहुंचाने का काम कभी भी केसीआर साहब करे ना करेंगे भी नहीं, इसलिए जो है ना अल्लाह ताला जो है ना गवर्नमेंट में फुल मेजोरिटी से जो है ना हमारी गवर्नमेंट है केसीआर साहब की। और दूसरी बात यह है कि कल जो वफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे पहले भी केसीआर साहब एकदम उठाए थे, सेकंड सर्वे कराए थे, आज तक 70 इयर्स में कभी भी नहीं हुआ, आजादी के बाद कोई भी वफ प्रॉपर्टी को कोई सीएम उसको अटेंड नहीं करे, कोई पूछे नहीं उसको, लावारिस के वजह छोड़ दिया, मगर केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है पूरी तरीके से जो है ना प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होगी पूरी। और कल जो बिल पास हुआ रेवेन्यू एक्ट जो पास हुआ उसमें वफ को भी इंक्लूड कर दिए, जितने लोग इंजॉयमेंट कर रहे थे जितने लोग जो प्लाटिंग करके भी बेचे जितने लोग जो जो भी करे पुराना वो भी निकलेंगे आप और पूरे रजिस्ट्रेशन रुक जाएंगे और वकोट से भी जो है ना हम लोग पूरे कलेक्टरों को पूरे एमआरओस को एमआरओस के अलावा जो है ना आरडीओस को उनको इनको सबको हम लोग भी यहाँ से एक एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा लेटर लिखेंगे, हमारे इतने प्रॉपर्टीज है जहां जहां इंक्रोचमेंट हुआ उसको भी छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले भी मैं बोला था मतलब हर मीटिंग में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बोलता हूँ बोर्ड मीटिंग में भी हम लोग कि हमारी वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रही थी क्यामत तक वफ रही थी क्योंकि वफ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है उसको प्रोटेक्ट करना हर एक का फरीजा है। मगर केसीआर साहब जो है ना इतना बड़ा जो काम करे हैं इनकी कितनी भी तारीफ करे कम है, पूरे इंडिया लेवल में पूरे वर्ल्ड लेवल में कोई सीएम कोई गवर्नमेंट इतना बड़ा काम नहीं करी जो केसीआर साहब जो करे। मैं दिल की गहराइयों से केसीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं ममनून हूं उनका क्योंकि आज सेक्युलरिज्म के बारे में बोलते हो हमेशा करके भी दिखाए और ये वफ प्रॉपर्टी में कोई सीएम नहीं पूछा आज तक, 12 से 13 सीएम गुजरे मैं देखते हुए आ रहा हूं, मगर हमारे केसीआर साहब जो है ना पूरी तरीके से जो है ना वफ प्रॉपर्टी को बचाने का पूरा ऐलान कर दिए असेंबली में कर दिए और बिल पास कर दिए, कल 4 बिल पास हुए आप लोगों के सामने है, पूरे मीडिया को भी मालूम है पूरी आवाम को भी मालूम है क्योंकि केसीआर साहब को डैमेज करने कई लोग देखते हैं अपोजिशन वाले, मगर कभी भी डैमेज नहीं हो सकते जब तक केसीआर साहब केडीआर साहब की सांस है, जब तक टीआरएस पार्टी जिंदा है गवर्नमेंट जिंदा है कभी भी तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट को कभी भी फर्क नहीं पड़ता और बंपर मेजोरिटी से कभी भी हमारी गवर्नमेंट आते रहेंगी इंशाल्लाह। जब तक केटीआर साहब केसीआर साहब जिंदा है इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो हमारे जो प्रॉपर्टीज है 33,929 इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी 77,538 एकड़ लैंड है, उसमें जो है ना 57,423 इंक्रोचमेंट है, उसमें जो है ना 6,938 को नोटिसेस दिए हम लोग, इसमें जो है ना 6,074 ये लोगों को भी जो है ना हम लोग 54 के नोटिसेस दिए, 53 के नोटिसेस भी जो है ना 2,186 वालों को दिए, 86 प्रॉपर्टीज को दिए, ऐसे कई हजारों एकड़ जमीन जो है ना
लैंड ग्रैबर्स लैंड माफिया इससे पहले भी बोला वाला लैंड ग्रैबर लैंड माफिया को तो कुछ चल नहीं है ये लोग जो है ना ये लोगों का धंधा है ना पानी है कोई बिजनेस नहीं है ये लोगों ने करोड़ों रुपए कहां से आ रहे ये लोग कहां से कमा रहे यहां से वक्फ प्रॉपर्टी बेच के गवर्नमेंट के लैंड बेच के डुप्लीकेट पेपर्स बना के उसलिए सीएम साहब जो है ना पूरे अच्छी तरह बर्खास्त करके पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेके सीएम साहब जो एकदम करे पूरी आवाम भी खुश है और गवर्नमेंट भी खुश है पूरे ऑफिसर्स भी खुश है क्योंकि कल से जो ना इतने फोन हमको भी जो ना लोग जश्न मना रहे इसके लिए क्योंकि एमआरओस वगैरह जो गलत काम भी जो करते थे लोग इंशाल्लाह ताला पूरा निकल के आएगा पूरे रजिस्ट्रेशन आज से बने बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से जो है ना ये जो भी वक्फ प्रॉपर्टी जो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए हम लोग उसको कैंसिल कराने का काम भी शुरू कर देंगे अल्लाह चाहे तो जो है ना हमारी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ मैं जमाने से बोल रहा हूँ और अल्लाह ताला जो है ना वो चीज आज लेके आकर दिखाए इसमें जो है ना हमारे अकबर साहब का भी इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वो भी हमारी पार्टी से अलायंस है वो लोग सब मिलकर जो है ना हमको सपोर्ट करे हैं केसीआर साहब को मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए क्योंकि सबसे बड़ा एकदम केटीआर साहब केसीआर साहब का है और ये गवर्नमेंट का कितना भी शुक्र अदा करे पूरे इंडिया लेवल पे शुक्रिया अदा करना है क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है अल्लाह की अमानत हर मुसलमान की प्रॉपर्टी रहती एक रिक्शा वाला रहो या गरीब रहो या मंगने वाला रहो कोई भी रहो हर एक का हक रहता वक्फ प्रॉपर्टी में तो इसलिए जो ना पूरे इंडिया लेवल पे मेरी गुजारिश है कि केसीआर साहब की उम्र 100 साल रखे अल्लाह मियां उनको और केटीआर साहब को भी 100 साल रखे और इन लोगों को और केसीआर साहब जो है ना प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जाए मेरी तो वही दुआ है केसीआर साहब के लिए और केटीआर साहब भी जो है ना डायनेमिक हमारे मिनिस्टर है होने वाले सीएम भी हो सकते हो तो अल्लाह के करम से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और केटीआर साहब केसीआर साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।